नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एयरटेल के 84 दिन की वैलिडिटी वाले लंबे प्लान के बारे में, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो 84 दिन की लंबे वैलिडिटी वाला रिचार्ज करना हो, जिसमें कॉल, एसएमएस, डाटा सब कुछ हो, तो आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा। 2024 के अंदर समय समय पर रिचार्ज बदलते रहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 2024 के अंदर आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, यदि आप 84 दिन की लंबे वैलिडिटी वाला रिचार्ज करना चाहते हैं, जिसमें आपको कॉल भी मिले, एसएमएस भी मिले और इंटरनेट डाटा यानी कि सब कुछ मिले। आपको बता दें, इस प्लान के बारे में जानेंगे जो कि आपको 500 रुपए से भी कम खर्चा करना पड़ेगा। आपको बता दें, 84 दिन की वैलिडिटी, लंबी वैलिडिटी आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 3 मंथ, यानी कि लगभग 3 महीने की वैलिडिटी मिल जाता है। तो एयरटेल में ये प्लान जो है वो कितने रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा निवेदन, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दें कि यहां पे एयरटेल में 900 SMS डाटा आपको मिल जाता है इस प्लान के अंतर्गत, 900 SMS के साथ साथ 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। अब हम बात करते हैं कि कॉलिंग के अलावा यहाँ पे आपको 6 GB इंटरनेट डाटा भी मिल जाता है इस प्लान में दोस्तों। साथ ही साथ इसमें कॉलिंग की जहाँ तक बात है, तो कॉलिंग लोकल, एसटीडी अनलिमिटेड कर पाएंगे, किसी भी नेटवर्क पे अनलिमिटेड कॉलिंग 84 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा ये प्लान, जो कि आपको रिचार्ज कितने रुपए का करना पड़ेगा ये जानना जरूरी है। तो आपको बता दें दोस्तों, 84 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको जो रिचार्ज करना पड़ेगा, मात्र 455 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा एयरटेल नंबर पर, यदि 84 दिन की वैलिडिटी चाहिए।